हाँ जी नजमुल, हेलो, हाउ आर यू? हेलो हेलो, चलिए सेशन की शुरुआत किया जाए। धमाकेदार सेशन है आज का। करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ जुलाई की आज से शुरुआत होगी। डियर, कल तक हमने जून को समाप्त कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जुलाई। जुलाई ऑनवर्ड से हमारी सेशन चलेगी। फाइन, सभी को आ जाओ, अपने अपने सेशन में फटाफट आने का प्रयास करो। नजमुल जुड़ चुकी है एज इट इज, जिस तरह से आप पहले आते हैं आज भी बिल्कुल आ चुके हैं, ये काफी गुड है। ओके नजमुल सर ऑलरेडी कम, सो लेट्स स्टार्ट। क्रैक योर सीडीएस एपकैट सीएपीओ विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एसेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटेड ईयर। सो जस्ट गेट ए सब्सक्रिप्शन। ओके, सो क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू टू एस द डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट। डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है डियर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आपको सीडीएस सीएपीएफ और आने वाले तमाम एग्जामिनेशन के लिए काफी मदद करेगा डियर। ओके, यू कैन यूटिलाइज माय एजे कुमार इज माय रेफरल कोर्स। आप हमारे रेफरल कोर्स को यूज कर सकते हो। बाय यूजिंग दिस रेफरल कोर्स यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको डिस्काउंट मिलेगा ईच एंड एवरी सब्सक्रिप्शन। फाइन, सो लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस, द डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट। ओके, सो लाइक डेली क्लासेस, चैट विथ योर एजुकेटर्स, इंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स एंड आंसर्स पोस्ट ऑल व्हाइल द क्लासेस इज गोइंग ऑन एज लाइक द ऑनलाइन क्लासेस। विनय शर्मा, हेलो विनय, हाउ आर यू? प्रिया, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर सिलेबस की एनालिसिस कर दीजिएगा। बिल्कुल सही, आज थोड़ा सा टेक्निकल सब हमने शॉर्ट आउट कर लिया है। कल पक्का प्रॉमिस है, कल मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। ओके, स्ट्रक्चर कोर्सेस, ऑल आवर कोर्सेस आर स्ट्रक्चर इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू टू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। ओके, नाउ लाइव एंड टेस्ट क्वेजेस, इवेलुएट योर प्रिपरेशन विथ आवर रेगुलर मॉक टेस्ट क्वेजेस एंड गेट ए डिटेल्स एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। आप अपने परफॉर्मेंस पे पूरी गेट एनालिसिस कर सकते हो डियर। आप सबों से मैं कहूंगा, जो लोग आ सकते हैं अन अकेडमी के पोल्स पे आइए, बिकॉज देयर आई एम टेकिंग ए पोल्स ऑफ ज्योग्राफी। वो रिवर चल रही है डियर, कल सतलज रिवर को मैंने पढ़ाया है, इंडस रिवर को मैंने क्लियर किया है, अनलिमिटेड एसेस, आज वहां पे गंगा रिवर होगी डियर। सो वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एसेस ऑल योर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस ऑन वॉचेस फ्रॉम एनी कंफर्टेबल डिवाइसेस से आप इसको एंजॉय कर सकते हो डियर। ओके, सो अन अकेडमी एप्स को आप डाउनलोड करो फटाफट, सबको जुड़ जाए डियर। हेलो प्रिया। ओके, सो टेलीग्राम ऐप पे आ सकते हो आप, डाउनलोड टेलीग्राम लिंक्स एंड शेयर विद अस। तब तक आप लोग अपने दोस्तों से भी बात करते रहो। डाउनलोड टेलीग्राम ऐप्स एंड टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। ओके फाइन, सो एजे कुमार इज माय रेफरल कोर्स, आप इसे यूज करें एंड यू आर एलिजिबल फॉर गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। जस्ट आपको 7920 में ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है, और 2 इयर्स की सब्सक्रिप्शन लेंगे डियर तो 11520 में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। फाइन, ओके, सो सीडीएस सीएफएफ 2021-2022। ओके चलो, सभी लोग आ चुके हैं, सेशन की शुरुआत किया जाए। देयर आर 5 पर्सन्स ऑलरेडी हियर। विनय शर्मा, ओके विनय, यू आर फर्स्ट टाइम आई होप। हेलो विनय, आज टाइम पे हूँ। ओके, बिल्कुल टाइम पे रहिए सभी को। सी, टाइम और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ही आपका सबसे बड़ा सिलेक्शन है। ओके, सो वी विल स्टार्ट सेशन। फाइन, चलिए आज की न्यूज को लेके चलते हैं, फिर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके चलेंगे। चलिए फर्स्ट, आप देखिए डियर, लोगों की मांग थी कि थोड़ा सा सर आप हिंदी में भी कर दो, तो मैंने हिंदी में भी आप करा दिया है। स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चंस आपका, बिल्कुल सही। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर आ गया है 12 जनवरी। ओके, हिंदी भाषी भी नाराज ना हो, उनको भी मैंने सॉल्यूशन कर लिया है। ध्यानचंद राय ने भी कहा है 12 जनवरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रिया शर्मा ने कहा 12 जनवरी। ओके चलिए, योर आंसर इज नाउ 12 जनवरी। सो यू कैन मेक योर आंसर्स, आप आंसर को चाहो तो आप इस आंसर को
स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो। फाइन। नाउ नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडियन एवरी इयर्स ऑन 20 जनवरी टू कमन कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। आपसे पूछा जाए कि नेशनल यूथ डे किन को याद करने के लिए मनाया जाता है, किन को ग्रेट्स करने के लिए, तो आप बोलोगे स्वामी विवेकानंद। ओके, आप बताइएगा स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना करी थी? विनय शर्मा, स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना करी थी? देखो ठीक है, ये फरवरी से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे अभी स्वामी विवेकानंद मैंने उठाया था तो पूरी स्वामी विवेकानंद की जीवनी को मैं करा देता, लेकिन ये अभी थोड़ा आपकी एग्जामिनेशन है फरवरी में है तो मैं थोड़ा फास्ट हूं। ओके चलिए, द कोस्टल्स रिसर्च वेसल्स सागर एवंतिका हैज रिसेंटली ओके सागर एवंतिका हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन एट विच पोर्ट? तटीय अनुसंधान पोर्ट सागर अवनिशिका का हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह से उद्घाटन किया है? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अब किसी को शिकायत नहीं डियर हिंदी इंग्लिश की, सो यू हैव टू डू मेक आंसर्स, किसी को शिकायत नहीं होगी। वी चेंज ऑल परसेप्शन ऑफ क्लासेस। फाइन। द कोस्टल रिसर्च वेसल सागर ओके अवनिशिका, किसी किसी को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती थी वो भी ठीक हो गया, तो पैराडीप पोर्ट ट्रस्ट आपने कहा। ओके लेट द आंसर्स, आंसर देखा जाए 8% है शामिल। तटीय अनुसंधान पोर्ट सागर अवनिशिका का हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह से उद्घाटन किया है? आपको पता होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है, सो है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, आंसर करेंगे चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। पीपीटी पल्लव कुमार, व्हाट पीपीटी, क्या करना चाह रहे हो पीपीटी को? पल्लव कुमार काइंडली राइट डाउन योर करेक्ट आंसर्स, पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ लिखने का प्रयास करें, क्योंकि यार पीपीटी याद नहीं रहेगी, आपको पूरा लिखना है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। ओके सो सीपीटी मत लिख देना। सो डॉक्टर द यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च द स्टेट्स ऑफ द आर्ट वेसल्स सागर ओके दैट इज सागर अवनिशिका ऑन 9 जनवरी 2021 एट चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट इन चेन्नई। केंद्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 जनवरी 2021 को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में अत्याधुनिक पोर्ट एवी सागर अवनिशिका का शुभारंभ कर दिया है। बिल्कुल सही है, पारादीप पोर्ट नहीं होगा पल्लव कुमार, आंसर होगा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट सीपीटी। द रिसर्च वेसल्स कैन अकोमोडेटेड अराउंड 150 to 20 साइंटिस्ट ओके फॉर रिसर्च पर्पस एंड हैज एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स से लैस होगा ये, एज वेल एज इक्विप्टेड लैबोरेटरीज विद रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशंस एपरेटस फॉर टेकिंग अप साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस। इट वुड बूस्ट, यह क्या करेगा, बूस्ट करेगा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ऑन ओशिनोग्राफी, ये ओशन पे रिसर्च करेगा अलोंग द इंडियन कोस्ट, डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओशंस एंड ट्रांसफॉर्म इंडियन ओशन रिसर्च एक्टिविटी एंड बूस्ट ब्लू इकोनॉमी। ये सारा किया जा रहा है डियर ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने की सारी बात आ रही है, और साथ ही साथ डिफेंस को भी मजबूत करने के लिए बात आ रही है डियर। तो 15 से 20 वैज्ञानिकों की टीम जिनका कंसर्न होगा ओशन से, ओशन के वैज्ञानिक होंगे, उनको रवाना कर दिया गया है डियर। ओके और किस शिप में गए हैं, तो ये किसने रवाना किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 जनवरी को, और कौन से शिप पोर्ट से डियर, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से, और शिप का नाम है सागर अवनिशिका, सागर अवनिशिका। क्लियर, चलिए विच कंट्री इज द फोकस कंट्री ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि भारत गोवा में होता है, का फोकस देश कौन सा देश फोकस कंट्री है?
या फोकस देश कौन सा देश है? वियतनाम, बांग्लादेश, जापान एंड मलेशिया। आंसर करा है सौरभ भाट ने वियतनाम, नजमुल ने करा है जापान। मुझे नहीं लगता आप सबों का आंसर सही है अभी तक। मीता त्रिपाठी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मीता, हाउ आर यू। प्रिया शर्मा वियतनाम। अभी मिश्रा ने करा है जापान। अच्छा, सौरभ भाट ने करा है बांग्लादेश। अब सौरभ भाट के जवाब सही हो रहे हैं, फाइन। सो लेट द आंसर इज देयर। विच कंट्री इज द फोकस कंट्री ऑफ द 41st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? आंसर होगा डियर बांग्लादेश। आंसर आप सभी कर सकते हैं। सो बांग्लादेश हैज बीन चूजन एज द कंट्रीज इन द फोकस ऑफ 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। बांग्लादेश, अब देखो डियर, ये आंसर होगा बांग्लादेश हैज बीन चूजन एज द कंट्री इन द फोकस फॉर 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। द फेस्टिवल विल बी हेल्ड गोवा फ्रॉम जनवरी 16 टू जनवरी 24। ये फेस्टिवल कब से चलेगा? 16 तारीख से 24 जनवरी तक। इट विल बी रन एंड मूव्स। द कंट्री इन फोकस इज अ स्पेशल सेगमेंट दैट रिकॉग्नाइज द सिनेमेटिक एक्सीलेंसीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री। दिस सेक्शन एट द 54th IFFI IFA विल showcase four films from Bangladesh. Okay, so Bangladesh ko country of this festivals manaya gaya. Okay, very good. The International Film Festival of India is being held annually since 1952. Aap se pucha jaye ki International Film Festival kab se manaya ja raha hai? To 1952 se manaya ja raha hai. Okay, since 1952 और कहां मनाया जा रहा है? तो गोवा में ही मनाया जा रहा है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द डायरेक्टोरेट्स ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेम द कॉफी टेबल बुक ऑन पीएम मोदी लॉन्च ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ 2021 प्रवासी भारतीय दिवस। 2021 प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर शुरू की गई पीएम मोदी की कॉफी टेबल बुक का नाम बताइए। मोदी इंडिया स्टोरी 2021, चुनौतियों के प्रति मोदी की प्रक्रिया, मोदी ए जर्नी एंड मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। सभी लोग आंसर करेंगे डियर। देखो, मैंने आपको हिंदी में भी करा के रखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। वी केम विद हिंदी आल्सो सो दैट यू आर नॉट गेटिंग इन डिफिकल्टीज। सभी लोगों को आंसर करना चाहिए। नाजमुल ने कहा है मोदी रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस। ओके, सौरभ भट्ट ने कहा मोदी ए जर्नी। नेम द कॉफी टेबल बुक्स ऑन पीएम मोदी लॉन्च ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ 2021 प्रवासी भारतीय दिवस। मोदी इंडिया स्टोरी 2021, मोदी रिस्पॉन्सेस टू चैलेंजेस, मोदी ए जर्नी, मोदी इंडिया कॉलिंग्स, मोदी रिस्पॉन्सेस टू चैलेंजेस। लेट दिस आंसर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। आंसर डियर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। Modi India Callings 2021 was the release on the eve of 16th Parvasi Bharatiya Divas on 8 January. Ye 16th Parvasi Bharatiya Divas tha. This the books was released by the Delhi BJP President Adesh Gupta. This books ko kisne release kiya hai? To Adesh Gupta ke dwara release kiya gaya hai. The 450 pages books is filled with over hundreds of photographs of Prime Minister Narendra Modi. From his 107 overseas and bilateral visits, इन्होंने जो 107 विदेशों का जो वर्णन किया है, उनकी पूरी की पूरी
हिस्टोरिकल ऑटोबायोग्राफी में मेंशंस किया गया है. सो मोदी कॉलिंग 2021 करेक्ट. काफी इंपॉर्टेंट सवाल है डियर. व्हाट सौरभ ओपीएस क्या लिख रहे हो सौरभ? यस सौरभ हर टेल मी व्हाट यू वांट टू से. ओके, हु हैज बीन चूजन एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीसीसीआई फॉर द आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स? अच्छा गलत हो गया आंसर आपका. कोई बात नहीं, गलत के बाद ही सही होता है. व्हिच हैज बीन चूजन एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीसीसीआई फॉर द आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स? आईसीसी बोर्ड की बैठक के लिए बीसीसीआई के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? रिप्रेजेंटेटिव्स आप कह सकते हो, अभी मिश्रा जय शाह को. ओके, अभी मिश्रा ने कहा है जय शाह को. नजमुल ने कहा सुनील गावस्कर को. ओके, बाकी लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं. विनय शर्मा ने कहा है, बिल्कुल विनय शर्मा सही समय पे आए तो सही आंसर भी आपका निकल रहा है. सौरभ भट्ट गलत हो गया फिर से. प्रिया शर्मा, राजीव शुक्ला गलत हो गया. सुनील गावस्कर, ध्यानचंद बाबू गलत हो गए. आंसर देख सकते हैं जैसा, आंसर इज योर जैसा, ये रहा आपके स्क्रीन पे. ओके, आंसर इज योर जैसा. क्लियर? यू नो ही इज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. क्लियर डियर? वेरी गुड. So Jaisa has been named as the official representative of Board of Control for Cricket in India for International Cricket Council's board meetings. चलिए, next questions. जो लोग regular रहेंगे वही जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. देखो मैं regular आपको क्लास ले रहा हूँ तो मैं अपने क्लासेस में कैसे परिवर्तन करते जा रहा हूँ, दिन ब दिन नई तकनीक का सहारा ले रहा हूँ और डे बाय डे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ. ये इसी वजह से है क्योंकि मैं रेगुलर हूं और मैं बार बार अपना चैनल चेंज करता रहूंगा तो मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा. ओके, द कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम जनवरी 8 टू 15 2021. द इवेंट इज विच एडिशंस ऑफ द एनुअल प्रोग्राम? ये कौन सा प्रोग्राम था? तो नजमुल ने कहा 26, सौरभ भट्ट ने कहा 26, कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव. आयोजन 8 से 15 जनवरी तक किया गया है. यह कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. लेट अस सी, इट इज 26 करेक्ट. या आंसर इज 26. ये बताओ आज के स्लाइड्स कैसे थे, आज के प्रेजेंटेशन कैसे हैं? हाउ दिस प्रेजेंटेशन टुडे? बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिख रहा है आप सबों को, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहा है. कई लोगों ने कहा सर हिंदी में बताओ जी, कई लोगों ने कुछ कहा, एवरीथिंग इज क्लियर, फाइन. अभी तक बेस्ट ही एक्सीलेंट नहीं पहुंचे हो? ओके अवश्य, वेरी गुड, बेस्ट. ओके वेरी गुड, वेरी गुड, एक नंबर, बिल्कुल. प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस, वेरी गुड. सो या द 26 एडिशंस International Film Festivals was inaugurated by the West Bengal CM Mamata Banerjee on 8 January 2021 through the virtual platform. The festival will screen 131 movies from 45 countries till January 13. ये क्वेश्चन है USPADR क्वेश्चन के, कितने मूवीज दिखाए जाएंगे 31, कितने कंट्री के? तो 45 कंट्रीज के. The inaugural ceremony was also attended by Bollywood superstar and West Bengal brand ambassador Shahrukh Khan. आप बता सकते हो West Bengal का brand ambassador किसे बनाया गया है? तो Shahrukh Khan को बनाया गया है, virtually from Mumbai. द
चीफ मिनिस्टर हैज आल्सो रेज द ऑक्युपेंसी लिमिट ऑफ थिएटर फ्रॉम 50% टू द 100%। क्लियर? बायलिंगुअल परफेक्ट। ओके, सो दे नो यूएसपी है डियर इनका कि 131 मूवीज को दिखाया गया है, इनमें शामिल हुए हैं 45 कंट्री शामिल हुए हैं। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, व्हिच कंट्री हैज कमिटेड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ रुपीज 21113 करोड़ टू सपोर्ट इंडियन कोविड 19 रिलीफ एफर्ट्स। इंडियन कोविड 19 से इंडिया को बचाने के लिए किस कंट्री ने 2113 करोड़ रुपए का सपोर्ट देने का वादा किया है? रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन एंड जापान। किस देश ने भारत के कोविड 19 राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए 2113 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? रूस, जर्मनी एंड ब्रिटेन एंड जापान। ध्यानचंद ने कहा रशिया, ए बी मिश्रा ने कहा जापान, दीपक चौधरी ने कहा रशिया। अच्छा, दीपक आ गए, कहां थे दीपक? ए बी मिश्रा जापान, प्रिया शर्मा ने कहा रशिया, ओके, विनय शर्मा ने कहा जर्मनी। लेट अस सी आप लोगों ने क्या कहा, देखो आंसर क्या है। आंसर विल सीन ऑन योर स्क्रीन। मेक योर आंसर करेक्ट। आंसर को सभी पता हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ जापान हैज कमिटेड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ 30 बिलियन जापानीज येन्स। आप 30 बिलियन जापानीज येन्स को 2113 करोड़ ऑफ ए प्रोग्राम लोन्स टू सपोर्ट इंडियन कोविड 19 रिलीफ एफर्ट्स। ओके, जर्मनी, रशिया, एक अभी मिश्रा का राउंड करेक्ट हुआ है, अभी मिश्रा का करेक्ट है, अभी ओनली अभी मिश्रा मेक करेक्ट। ओके, बाकी सभी का रॉन्ग हो चुका है। डियर गेस कभी बहुत कम सक्सेस होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ने वाले का ही गेस सक्सेस होता है। अगले क्वेश्चन क्या है? द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 विल बी ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फ्रॉम। कब से रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाएगा? जनवरी 1 टू जनवरी 31, जनवरी 15 टू फरवरी 14, जनवरी 18 टू फरवरी 17, जनवरी 10 टू फरवरी 9। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का आयोजन से किया जाएगा, कब से कब तक किया जाएगा? फरवरी में कर रहे हो आप लोग। ओके, अभी मिश्रा, दीपक चौधरी, ये मेरे को बताओ, आप लोग के अपने मित्र नहीं है क्या? आपके मित्र पढ़ाई नहीं करते, ग्रुप में नहीं? उन सबको ग्रुप में डालो, कौन सेशन देखो, लाइव बनेगी आप सबों की, व्यूज बढ़ाओ। जर्मनी 18 टू फरवरी, इतना तो कर सकते हो डियर कि सर के लिए व्यूज तो बढ़ाओ। ये 7 और 10 क्या मतलब बनता है व्यूज का? जनवरी 18 टू फरवरी 17, 18 जनवरी टू 17 फरवरी। The Ministry of Road and Transport and Highway observe the National Road Safety Weeks every year in the second week of January. कभी कभी आपके examination में ये बोल सकता है second week of January. However, in 2021, the government had decided to observe National Road Safety Month instead of National Road Safety Week. तो week के मतलब है हम लोगों ने क्या मना रहे हैं? Month मना रहे हैं। पहले सप्ताह मनाया जाता था, अब मंथ। अब देखो डियर, 18 जनवरी टू 17 फरवरी, करेक्ट? आप लोगों के रहते हुए इतना कम व्यू मिलता है, बताओ कैसे होगा? ओके, चलिए, नेम द विनर ऑफ द, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर आपके लिए। नेम द विनर ऑफ द, अब आगे डियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे जाते हैं हम लोग, जो जुलाई महीने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेम द विनर ऑफ द प्रोफेसर पीसी महाबली अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिक्स
2020 for lifetime achievement by Ministry of Statistics and Program Implementation. ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सी रंगराजन, वेरी गुड. सौरभ भट्ट ने कहा सी रंगराजन, यस. सौरभ, सौरभ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉच? सौरभ आप किस चीज की तैयारी करते हो? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉच सौरभ? अभी मिश्रा का भी आया है सी रंगराजन, नाजमुल का भी सी रंगराजन. ओके, वेरी गुड, अच्छी तैयारी है आपकी. चलो वेरी गुड, आंसर करें, रेगुलर रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इतने सारे क्वेश्चंस करोगे कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है. देखो यार, जुलाई शुरू हो रही है, 2 से 3 दिन के अंदर जुलाई खत्म हो जाएगी, अगस्त शुरू हो जाएगी, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, आप 7 फरवरी तक पूरी मैं कम्प्लीट करा दूंगा विथ जनवरी एंड विथ दिसंबर. तो कंप्लीट 6 महीने का आपका क्वेश्चन हो जाएगा. तो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन हैज बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महावालिस अवार्ड ऑन इन ऑफिशियल स्टैटिक्स फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल स्टैटिक्स डे ऑन 29 जून by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. Fine? Shelly. The first ever lichen park in India has been set up in which state recently? भारत में हाल ही में पहला lichen या lichen park किस राज्य में? Class. Class में हूँ. आंसर करेंगे, आंसर इज योर उत्तराखंड. आंसर क्या होगा डियर? उत्तराखंड. बिल्कुल सही है, उत्तराखंड. सौरभ भट्ट ने कहा हिमाचल प्रदेश, सौरभ भट्ट ने फिर कहा उत्तराखंड. मेक योर आंसर फटाफट फटाफट डियर. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जुलाई महीने के हैं. ओके, वी आर टेकिंग नाउ जुलाई. सो इंडियन फर्स्ट लाइकिन पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश इन कुमाऊं मुंसियारी विलेज ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. तो ये विलेज भी पूछेगा तो आप बता सकते हो, और ये डिस्ट्रिक्ट भी बता सकते हो, और ये स्टेट्स भी बता सकते हो. तीनों सवाल पूछे जा सकते हैं. ओके, चलिए, लाइकेन पार्क एडियर जिससे ला बनाया जा सकता है. ओके, चलिए, आप सभी को रेगुलर होने की जरूरत है, फिर देखो मजा कितना आता है. ओके, अच्छा ये क्वेश्चन आंसर हो गया ही चला आया. चलो, लाजरस चाकवेरा हैज बीन, लाजर चाकवेरा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर ऑलरेडी डियर. ओके सौरभ भट्ट, आंसर होगा मालवी. आंसर आपके सामने डियर. सो मालवी ऑपोजिशन लीडर लाजरस चाकवेरा हैज बीन स्वॉर्न इन एज द 65th Presidents of country on 20 June 2020 after being declared as the winner of the South African country historic presidents elections. Okay, Malawi, very good. Majiro Gomez, a renowned footballer, has announced retirement from the professional sports. He plays for which country? Ek prasidh footballer Mario Gomez. Answer kya diya hai? Mario Gomez. ने पेशेवर खेलों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है. वह किस देश के लिए खेलते हैं? फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन एंड जर्मनी. मारियो गोमेस, जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी. लेट अस सी, आंसर होगा डियर आपका जर्मनी.
एक बंदा ने, अभी मिश्रा ने सही करा है, निर्मल का भी गलत है, सौरभ भट्ट का भी गलत है, अभी मिश्रा इज करेक्ट। अभी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉट? आप सभी अनअकैडमी पे नहीं आते हो, आप सबों को अनअकैडमी पे भी आना चाहिए। ज्योग्राफी की पोल चल रही थी और वहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे क्वेश्चन आज तक तो यही रहेंगे, कल से चेंज होंगे क्वेश्चंस। ओके चलिए, नहीं शुरू के करंट अफेयर्स चेंज रहेंगे। द फॉर्मर जर्मनी फुटबॉलर मैरियो गोमेज हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट ऑन 28 जून 2020। द 34-year-old हैज रिप्रेजेंटेड द जर्मनी नेशनल टीम ओवर ए पीरियड ऑफ 11 years बिटवीन 2007 एंड 2018। प्रिया किसकी प्रिपरेशन करती हैं आप? आप क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर। किल कोरोना कैंपेन इज ए 15 days लॉन्ग ड्राइव लॉन्च बाय विच स्टेट टू कैरी डोर टू डोर सर्वे टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट्स। किल कोरोना अभियान एक 15 दिन की लंबी ड्राइव है जिसे राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे करने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। माई अन अकेडमी टाइमिंग इज जस्ट 7:10 और 7:20 पे है डियर। अन अकेडमी टाइम इज 7:20। वहां पे पोल लूंगा, इन क्वेश्चनों को पोल के माध्यम से करने में और काफी मजा आता है। और ज्योग्राफी की भी पोल होगी डियर। रिवर चल रही है आज, मैं आप कल मैंने पढ़ाया था आपको इंडस रिवर, आज मैं पढ़ाऊंगा गंगा रिवर्स। ये रहा आंसर आपके सामने, मध्य प्रदेश। किल कोरोना कैंपेन इज अ 15 डेज लॉन्ग ड्राइव लॉन्च बाय विच स्टेट टू कैरी डोर टू डोर कैंपेन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट्स। पीएम, इट इज 7:20 PM मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टेस्ट, संडे रेस्ट। ओके, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टेस्ट, संडे रेस्ट। ओके, संडे को आप डिफेंस क्वेस्ट पे आ सकते हो। आप अपना नंबर दे दो, टेलीग्राम ऐप पे। अच्छा, आप टेलीग्राम को, आप जरा जो लोग टेलीग्राम पे आना चाहते हैं, आप, मैंने टेलीग्राम के चैनल को बना लिया है, आप इस पे आ जाओ तो एमिनेंट एमिनेंट एजुकेटर ये करके देखो तो आप लोग आ पा रहे हो चैनल टेलीग्राम पे, काइंडली आप करना तो ये करो तो जरा मैं देखूं कि आप लोग, क्योंकि कल ये शिकायत थी कि सर चैनल नहीं मिल पा रहे आपके, आज मैंने ठीक करवा दिया है। चेक इट्स एमिनेंट एजुकेटर्स, चेक करो आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, एक बार चेक करके देख लो। आज देखो ना, चेक करके अभी देखो, एमिनेंट एजुकेटर्स, EMINENT EDUCATOR। अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आज, चलो बता देना क्लास के दौरान ताकि मैं फिर से चेक करवा लूं। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू किल लॉन्च 15 days लॉन्ग किल कोरोना कैंपेन इन द स्टेट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2022 कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट्स। अंडर द कैंपेन ए डोर टू डोर सर्वे विल बी कंडक्टेड एंड टेस्ट वुड ऑल्सो बी डन ऑन सिटीजन्स फॉर अदर डिजीज। फाइन, नेक्स्ट। इंडिया हैज साइन ए कंसेशंस एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 MW कोलमचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। भारत ने किस देश के साथ, हाँ बिल्कुल सही, मिल तो गए आपको। इंडिया हैज साइंड ए कंसेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 MW कोलमचू हाइड्रो प्रोजेक्ट। 600 MW की कोलमचू
बिजली परियोजना के निर्माण के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आंसर क्या होंगे? कई लोगों के आंसर आ रहे हैं। दीपक चौधरी ने कहा म्यांमार। ओके, सौरभ भट्ट ने कहा भूटान। क्या बोला सौरभ ने? व्हाट यू वांट टू से सौरभ? आंसर इज योर भूटान। ध्यानचंद, हैव यू टॉक योर फ्रेंड्स टू टेक योर सब्सक्रिप्शंस? अभी मिश्रा, मेरे आंसर्स नहीं आ रहे, मीन्स मैं नहीं समझ पाया आपको आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। व्हाट इज योर आंसर क्वेश्चंस? हाँ बिल्कुल सही है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो उसको टिक करवाया है, आपने सब्सक्राइब कर दिया ना? ओके, आंसर इज योर भूटान। इंडिया एंड भूटान हैव साइंड एंड कंसेशन एग्रीमेंट ऑन 29 जून 2004 द कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 मेगावाट कोलंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान्स लेस डेवलप ईस्टर्न रीजन्स ऑफ। ओके, खेल विल बी द फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट अंडर एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइंड इन 2014। द ज्वाइंट वेंचर पार्टनर ऑफ द प्रोजेक्ट आर सतलज विद्युत निगम लिमिटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम इंडिया एंड भूटान ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भूटान का कौन सा पावर है? तो ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, BGPC। और भारत का कौन है डियर? सतलज विद्युत निगम लिमिटेड। क्लियर है? चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ द 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द बेट अवार्ड 2020? सोलंगी, कॉनवेल्स, लेडी गंगा, बेयोंस, रिहाना। निम्नलिखित में से किसे बीटा अवार्ड्स 2020 में 2020 के मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डोंट नो। चलिए, आंसर इज बेयोंस। क्लियर? द 20th एडिशन ऑफ द एनुअल बेट अवार्ड 2020 टुक प्लेस विद ए सीरीज ऑफ वर्चुअल परफॉर्मेंस ऑन 28 जून 2020। द रिनॉल्ड अमेरिकन पॉप स्टार बियॉन्स वॉज ऑनर्ड विद द 2020 अवार्ड ड्यूरिंग द इवेंट्स। क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2020 नेशनल डॉक्टर्स डे? 2020 के नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम क्या है? थैंक यू कोरोना वायरस हेल्पर्स, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। लेसर द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। यह अभी मिश्रा का जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या, किसी को आंसर बाद में मिलती है या किसी को क्वेश्चन बाद में मिलती है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इज इट देयर समवन रिसीव द क्वेश्चंस लेटर ऑन? इज इट देयर समवन रिसीव द क्वेश्चंस लेटर ऑन?
ओके ओके दैट्स व्हाई सम इज गेटिंग रिप्लाइंग लेटर ऑन। ओके द थीम ऑफ 2022 जो डॉक्टर्स डे इज लेसर द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ओके फाइन। विच कंपनी ऑफ इंडिया इज द ज्वाइंट वेंचर पार्टनर इन द 600 मेगावाट कोलंबो। हाँ चाहिए तो हो गया डियर। ज्वाइंट वेंचर पार्टनर इन द 600 मेगावाट कोलंगशु हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट। भारत की कौन सी कंपनी 600 मेगावाट की कोलंगशु जल विद्युत परियोजना में संयुक्त उद्यम भागीदार है। पावर ग्रिड सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। कौन होगा डियर आंसर? बिल्कुल सही है, सतलज विद्युत निगम लिमिटेड। द ज्वाइंट वेंचर्स पार्टनर ऑफ द प्रोजेक्ट आर सतलज विद्युत निगम लिमिटेड फ्रॉम इंडिया एंड भूटान। भूटान का क्या है? ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। सो लेट्स क्रैक योर डिफेंस एग्जामिनेशन। द डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यूज माय कोड्स। आप हमारे कोड का प्रयोग करें, दैट कोड इज एजे कुमार। माय कोड इज एजे कुमार। ओके फॉर गेटिंग योर सब्सक्रिप्शंस। और अनअकैडमी की कोडेड है डियर SPAJ कुमार। तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हो, डिफेंस सेक्शन में आओगे। ओके तो आपसे वो क्या मांगे? अभी अभी पोल बाकी है डियर, अभी नहीं ओके हुआ है। ओके आप सभी आ जाओ, इस पे आ जाओ, आप एमिनेंट एजुकेटर पे आ जाओ, टेलीग्राम ऐप पे आ जाओ, एमिनेंट एजुकेटर पे आ जाओ। देर वॉज अ लिंक्स, वहीं पे लिंक्स आपको मिल जाएगी। ओके चलिए पोल करते हैं डियर, फटाफट पोल करते हैं। सभी को आंसर करेक्ट करने हैं डियर्स, एक भी आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलिए द नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। चलिए रेडी विथ पोल्स, फटाफट पोल करेंगे डियर। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी। 12 जनवरी फटाफट फटाफट। 1, 2, 3, 4, 5% का आंसर आया, बाकी परसेंट का नहीं आया। चलिए आंसर इज दिस वन। द कोस्टल रिसर्च वेसल सागर। ओके एवंसिका का हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह से उद्घाटन किया? व्हाट क्लासेस अभी मिश्रा? नजमुल, ध्यानचंद राय। आंसर इज योर चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। ओके आंसर इज योर चेन्नई पोस्ट ट्रस्ट। देखो अभी निजबुल थोड़ा पीछे हो रही है, ये विनय शर्मा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अभी मिश्रा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट्स। व्हिच कंट्री इज द फोर्थ फोकस कंट्री ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? वियतनाम, बांग्लादेश, जापान एंड मलेशिया। Which country is the focus country of the 51st International Film Festival of India? Vietnam, Bangladesh, Japan and Malaysia. One person क्या है? नजमुल थर्ड रैंक पे है अभी। सौरभ काफी फास्ट चल रहा है, काफी कंपटीशन तेज है। दीपक चौधरी किधर गया? आंसर इज योर बांग्लादेश। सभी को आंसर करेक्ट करना चाहिए।
Name the coffee table books on PM Modi launches during the occasion of the 2021 Pravasi Bhartiya Divas. क्या नाम है? आंसर करें मोदी इंडिया स्टोरी 2021, मोदी रिस्पॉन्सेज टू चैलेंजेस, मोदी ए जर्नी, मोदी इंडियन कॉलिंग 2021. काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डियर, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट सौरभ भट्ट ने फटाफट आंसर करा है. अभी मिश्रा सेकंड पे है, थर्ड पे आ गए विजय, प्रिया फोर्थ पे, नजमुल, प्रिया शर्मा, हाँ डी नहीं लिखना है प्रिया शर्मा, ध्यानचंद राय काफी स्लो है. मोदी इंडिया कॉलिंग 2021. Who has been chosen as the official representative of BCCI for the ICC board meetings? किसे सेलेक्ट किया गया? आंसर करें डियर जैसा को. वेरी गुड, नजमुल ने फर्स्ट आंसर करा है, एपी मिश्रा ने करा है, विनय शर्मा ने करा है. काफी कंपटीशन अच्छा हो गया डियर का, मजेदार कंपटीशन, ये जज्बा होनी चाहिए. आंसर योर जय शाह. The Kolkata International Film Festival 2021 has been organized from January 8 to 15, 2021. The event is which edition of the annual program? Bilkul sahi hai, 26, very good. Vinay Sharma kaafi tez chal rahe hain abhi. नजमुल थर्ड रैंक पे है, अभी मिश्रा फोर्थ पे है, प्रिया शर्मा फिफ्थ पे है, ध्यानचंद सिक्स्थ पे है, और सात लोग हैं, एक पता नहीं कौन है. विच कंट्री हैज कमिटेड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ 2113 करोड़ टू सपोर्ट इंडियन कोविड 19 रिलीफ एफर्ट्स? रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन एंड जापान. आंसर क्या होगा डियर? जापान. The National Road Safety Month 2021 will be organized by the Ministry of Road and Transport and Highway from Bilkul sahi, Abhi Mishra, Priya, Saurabh, Nazmul, Vinay, Dhyan Chandra. पहले ये वीक होता था, अब मंथ हो गया है. नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महाबोली अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिक्स 2020 फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशंस. किसने जीता है? सी रंगराजन, करेक्ट. The first ever lichen park in India has been set up in which state recently? Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan and Tamil Nadu. The first ever lichen park in India has been set up in which dear, मैं आपको ये बता दूं कि without current affairs आज के किसी भी competition को नहीं निकाल सकते हो. आपको ये लगता होगा ना कि चलो पिछली बार तो 25 क्वेश्चन पूछे, 23 क्वेश्चन पूछे, आप इस बार एग्जामिनेशन में जाना, हो सकता है वो 40 हो जाए. क्लियर है? और छह महीने का तो बिल्कुल करके जाना है डियर. तो अगर आपके फरवरी में एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो जनवरी हो गया फिफ्थ, दिसंबर हो गया फोर, ओके फरवरी में जा रहे हो ना तो एक करो तो फिफ्थ, फोर्थ, नवंबर हो गए थर्ड, ओके
सितंबर हो गए, अगस्त हो गए, जुलाई, तो मैं जुलाई से ये शुरू किया हूँ, इससे पहले जून हो चुके हैं। ये जो जुलाई के क्वेश्चन है ना, ये आपको मैगजीन में, कभी मैगजीन में देखोगे, पत्रिकाओं में देखोगे, ये अगस्त में आते हैं। यस, जुलाई टू दिसंबर में करा रहा हूँ। डियर इंडियन फर्स्ट लाइकन पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन कुमाऊँस मुनशरीज विलेज ऑफ पिट्टरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। लाजुरस चेकवेरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। लाजुरस चेकवेरा, या किस किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? मैरियो गोमेज, या मारियो गोमेज, एक रेनॉल्ड फुटबॉलर प्लेयर है, हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। ही प्लेज फॉर विच कंट्री, वो किस कंट्री के लिए खेलते हैं? जर्मनी, 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 जर्मनी। ध्यानचंद राय, विनय शर्मा, नजमुल, अभी मिश्रा, स्वदेश भट्ट, ये लोग सारे हैं। बिल्कुल सही आंसर इज जर्मनी। किल कोरोना कैंपेन इज ए 15 डेज लॉन्ग ड्राइव लॉन्च बाय विच स्टेट टू कैरी डोर टू डोर सर्वे टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट्स। फटाफट करें डियर, आंसर इज मध्य प्रदेश। इंडिया हैज साइंड ए कंसेशन एग्रीमेंट विद द कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6000 मेगावाट कोलिंगचू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स इन विच कंट्री। आंसर करें भूटान। या गुड गुड, ये वन स्प्रिट। Who among the following has been honored with the 2020 Humanitarian Award at the BIT Award 2020? What is the theme of the 2020 National Doctors Day? 2020 National Doctors Day की theme क्या है? Dear, आज on academy में इसी session को चलाया जाएगा, कल से नए slides बनेंगे dear, okay? Lessen the mortality of COVID-19. फिर भी वहां पोल होगी डियर, और 8:10 से ज्योग्राफी की पोल होगी, सो आना ना बोले डियर्स। विच कंपनी ऑफ इंडिया इज अ ज्वाइंट वेंचर पार्टनर इन द 600 मेगावाट कोलमचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखो डियर, चूंकि मैं रेगुलर हूँ 3 महीने से, तो मैं नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी रेगुलर हो गए तो नई नई तकनीक आ जाएगी आपको फर्स्ट लिखने की। देखो आज सभी को लिख रहे हैं ना, काइंडली सी मत लिखा करो, आप उसके शॉर्ट फॉर्म लिख दो SJVNL। ओके, बिल्कुल नजमुल ने बिल्कुल सही करा है, विनय शर्मा ने ठीक करा है, सो लेट्स क्रैक योर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फटाफट लाइव व्यू तो करते रहे डियर, हाउ दिस सेशन, एनी मॉडिफिकेशन यू वांट। सभी को टेलीग्राम का वो मिल गया, जगह मिल गया, एमिनेंट एजुकेटर में आप मेरे को सर्च कर सकते हो, सभी को सर्च कर पा रहे हो। बिल्कुल सौरभ, आप भी फर्स्ट रहे आज, अगर आप पास होते तो मैं पार्टी देता आपको। गुड गुड प्रिया, फाइन। चलो थैंक यू, गुड नाइट, वी विल मीट बाय टुमारो, फाइन।
ओके चलिए 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 फटाफट।